hello student today we are going to start with the new chapter that is chapter 2 animal world let us find out what we are going to learn in this video now let's start now as you can see in the very first page of this chapter you have given various kind of animals so animal world is a big world animals found in nearly all part of the earth including लैंड वाटर एयर एंड ट्रीज हर जगह हमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एनिमल्स मिलते हैं द सराउंडिंग इन विच द एनिमल्स ग्रो इज़ कॉल्ड देयर इन्वायरमेंट डिफरेंट एनिमल्स लीव इन डिफरेंट टाइप ऑफ एन्वायरमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं दे फूड हैबिट्स बिहेवियर एंड बॉडी फीचर्स हैल्प देम टू लिव इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जो इनकी हैबिट होती है बिहेवियर होता है बॉडी के फीचर्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं कहाँ रहने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर एंड एरिया वेयर ए पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेड इट मीन्स जो एरिया होता है कहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पर्टिकुलर पर्सन का अपना अपना घर होता है लाइक like दैट जो एनिमल्स का एक पर्टिकुलर क्या होता है स्पेस होता है रहने का दैट इज़ नोन एज हैबिटेट लेट इस नाउ अबाउट लेट इस नो अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट नाउ लेट स्टार्ट सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स यू कैन सी हेयर दे लीव इन ए डिफरेंट डिफरेंट एनवॉरमेंट विद डिट डिफरेंट हैव बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स फाउंड ऑन द अर्थ है बॉडी कवरिंग एनिमल्स टू लीव इन ए पर्टिकुलर है जो उनकी बॉडी कवरिंग है जो एनिमल्स को हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट क्या है जो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रहने के लिए लेट इस फाइंड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग ऑफ सम कॉमन एनिमल्स नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिश फिश वी विल टॉक अबाउट फिश द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विद अ विदर फ्लेक्सीबल ओवरलैपिंग स्केल्स जो क्या होती है जो हमारी फिश होती है जो फिश होती है फिश की जो बॉडी है क्या होती है वो फ्लेक्सिबल होती है विद लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स कैसे है? होते हैं स्केल्स जो ओवरलैपिंग होते हैं ओवरलैपिंग इट मीन्स क्या होता है वन लेयर आफ्टर दैट अनदर लेयर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रेप्टाइल्स लाइक स्नैक क्रोकोडाइल्स एंड लीजार आल्सो हैव बॉडी कवर्ड विद स्नेेल्स जो क्या होते हैं हाल सो जो 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 हमारे रेप्टाइल्स स्नैक वगैरह जो क्रोकोडाइल्स होते हैं लीजार्ड्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं स्नेल्स होते हैं नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टोट्रोइ स्नेल एंड टर्टल दीज एनीम्स आर प्रोटेक्टिंग बाई ए हार्ड सेल सेल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर इट मीन्स क्या होता है जो हमारे पास ये टोट्रॉइज स्नेल है टर्टल है इनकी जो बॉडी सेल कैसे होती है कैसे होते हैं हार्ड होते हैं सेल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर क्या होते हैं जो इनकी जो सेल हैं इनको प्रोटेक्ट करके रखते किस से डेंजर से इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं नेक्स्ट वी विल डिसकस अबाउट बर्ड्स बर्ड्स बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद फैदर्स फैदर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड रेन एंड हेल्प देम टू फ्लाई एज यू नो वेल फैदर्स क्या करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं किससे कोल्ड से रेन से एंड हेल्प देम टू फ्लाई नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बॉडी कवरिंग गर्ड फॉर एंड वुल रिस्पेक्टली दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड रेन क्या करती है जो शिप होते हैं एंड बियर होता है इट मीन्स क्या करती है जो बहुत ज़्यादा क्या होती है जो एक्सट्रीम जो कोल्ड होती है रेन होती है जो उनके फर होते हैं जो उनके वूल होती है वो उनको क्या करते हैं प्रोटेक्ट रखते हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन करते हैं इट मीन्स क्या होता है वो उनके प्रोटेक्टिंग कवर है उनके फर एंड वूल नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ब्रीथिंग इन एनिमल्स ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन सो एज यू नो अवेरेबल सभी एनिमल्स को ऑक्सीजन की नीड होती है ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन बर्न द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीज एनर्जी विच एन एनिमल्स यूज फॉर वीरियस परपज के लिए वो एनिमल्स यूज करते हैं ऑक्सीजन का एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड वाटर दैन स्ट्राउंड वेन ऑक्सीजन कंबाइन विद वाटर इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरीशन इट मीन्स क्या होता है जब हमारी ऑक्सीजन कम्बाइन हो जाती है वॉटर के साथ वो रिलीज कर देती है सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट दिस प्रोसीजर इज नोन एज रेस्पिरीशन नेक्स्ट वी हैव ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग जो हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं ब्रीथिंग्स के लिए डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रो डिफरेंट ऑर्गन्स जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं और क्या होते हैं कैसे क्या करते हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रो डिफरेंट ऑर्गनस के साथ टाइनी फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइनी ऑर्गेनिजम टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कहा लीव करते हैं वॉटर के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं ब्रिथ देर बॉडी सर्फेस के हाथ से वो ब्रीथ करते हैं नेक्स्ट वी हैव इंसेक्ट नेक्स्ट वी हैव इंसेक्ट ब्रीथ थ्रो स्पेशल एयर होल्स आर का आ, आर का स्पाइकल्स उनको क्या बोलता है स्पाइकल्स बोला जाता है इट मीन्स क्या होता है छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल एयर जाती है वहाँ से वो ब्रीथ करते हैं दीज आर फाउंड अंगोंग द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट और कहाँ होते हैं अलॉन्ग दाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट सो स्टूडेंट यू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मेन कमेंट बॉक्स थैंक यू वेरी मच एंड है नाइस डे